हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि मस्ती होंगे। दोस्तों, हम भारत का भूगोल का सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसमें और वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं। जिन वीडियो में दोस्तों हमने भारत के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन किया है, दोस्तों आज हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश या मानचित्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, उन्हें हम सजेस्ट करेंगे कि हमारे पुराने वीडियो देखें, तो आपको भूगोल का सीरीज समझने में थोड़ा सरलता होगी और अच्छे से समझ पाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे इस सीरीज का बेहतरीन ढंग से लाभ जरूर उठा रहे होंगे, और ऐसे ही लाभ उठाते रहें, हम भूगोल के सीरीज को पूर्ति कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने से पहले ही जल्द किसी और विषय लेके आएंगे, जिससे आपका अध्ययन और सुचारू रूप से चल सके और अच्छे से कर सके। दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में भारत के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन किए हैं। आज अध्ययन करेंगे प्राकृतिक फिजिकल मैप का। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले एक हम समझ लें कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। मानचित्र मानचित्र दोनों ही भारत के मानचित्र हैं। जो नए विद्यार्थी होंगे, जिन्हें भूगोल की थोड़ी समझ कम होगी या भूगोल से नहीं जुड़े होंगे अब तक, उन्हें थोड़ा लगेगा आश्चर्य कि क्या बात कर रहे हैं सर, प्राकृतिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र, मानचित्र मानचित्र। दोस्तों, थोड़ी सी अंतर होती है जो बहुत बड़ा कारण बन जाता है, बहुत बड़ा परिणाम निकल जाता है। दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र में उन चीज़ों को दर्शाया जाता है जिसे हम राजनीतिक रूप से बनाए हों, संस्थागत या किसी देश के आधार पर, महाद्वीप के आधार पर बनाए हों, या ये कहने जिसके निर्माण में मानव का हस्तक्षेप पूर्ण रूप से लगा हो, वह राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। अब प्राकृतिक आ गया। दोस्तों, हम प्राकृतिक मानचित्र में उन चीजों का अध्ययन करते हैं जिनके निर्माण में लगभग पूर्णतः प्रकृति का योगदान होता है, प्रकृति ने बनाया होता है, उसमें मानव का हस्तक्षेप नगण्य होता है, अर्थात ये कहें कि नहीं होता तो गलत सेंटेंस नहीं होगा। इस आधार पर प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी पर, अब हम बात करें तो भारत में, क्योंकि हमने विश्व स्तर पर पढ़ लिया है, भारत में प्रकृति के द्वारा प्रदान की हो गई जो भी प्राकृतिक स्थल या हमारे प्राकृतिक धरोहर होंगे, जिनके वजह से हमारे भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक या सामरिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, उनको अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार पे हम बात करें तो ये हमारे सामने भारत का मानचित्र हमने पहले से ही लगा के रखा है, ताकि हम जरूर बता सकते हैं, आपका शिकायत हो सकता है कि सर शब्द साफ साफ दिख नहीं रहे हैं, थोड़ी दूर है दोस्तों, लेकिन
इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके पास भारत का प्राकृतिक मानचित्र का मैप होना चाहिए। ये हम प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं, अगर जिन्होंने नहीं खरीदा है तो अवश्य खरीद लें, तभी आपको समझ हो सकती है। एक ही और दोस्तों, आज की डेट में प्रतियोगी परीक्षा में आप सोचें कि हम चीजों को रट लें और एग्जाम हॉल में जाएं और क्वेश्चन हल करके आ जाएं, तो दोस्तों ये संभव अब नहीं रहा, थोड़ी मुश्किल हो गई है, हमारी परीक्षा पद्धति थोड़ी जटिल हो गई है, क्योंकि इसमें सोचने वाले प्रश्न आ गए हैं, सोचने वाले प्रश्न आ रहे हैं। अगर भूगोल की बात करें तो अगर आप भूगोल के मानचित्र के आधार पर अध्ययन करते हैं तो मेरा मानना है कि यह सबसे उत्तम होता है, क्योंकि ऐसे अध्ययन करने की वजह से जब करते हैं हम तो चीज़ें हमारे माइंड में एक फ्रेमिंग बन जाती है, उसका चित्र छप जाता है। अगर ये कहें कि फोटो कॉपी चला जाता है दिमाग में तो यह सही होगा। इस आधार पर हमें मानचित्र कैसा करना चाहिए, हमें मानचित्र के आधार पर चीज़ें जल्दी समझ आती है, और जब समझ आ गई दोस्तों हम भूलते फिर नहीं हैं। इसे समझना है, हम भूगोल को रट नहीं सकते, भूगोल को सिर्फ समझ सकते हैं। उसे समझने के लिए कोई भी मानवीय विषय बोल दें, कोई विषय हम रट नहीं सकते, समझना होता है, तो इसे हमें समझेंगे। ये दोस्तों समझना चाहेंगे तो प्राकृतिक मैप, तो प्राकृतिक भारत का मैप हमने पहले से लगा रखा है, तो आप अपने पास एटलस में या मैप में प्राकृतिक मैप खोल लीजिए, जिस जिस इंफॉर्मेशन को हम बताएंगे उसे आप हाईलाइट करते जाइएगा, और बगल में आपका पेन और कॉपी भी हो, महत्वपूर्ण जो डाटा होगा तथ्य होगा उसे एंट्री करते जाइएगा। चीजें हम जैसे बता रहे हैं समझते हुए जाइएगा। अगर कहीं ऐसा हो कि हम थोड़ी स्पीड बोल दें, आपको थोड़ा समझ कम आए, तो वीडियो पॉज कीजिएगा, उसे देखिएगा, दोबारा कीजिएगा रिवाइज करके, और अच्छे सुन के उसे सटीक भाषा समझ के फिर एंट्री कीजिएगा। अगर दोस्तों आप इतना करते हैं तो आपको हम पूर्ण पे विश्वास दिला रहे हैं कि आप निश्चित रूप से ही सफलता की ओर अग्रसर हैं, आपको सफलता मिल ही जाएगी। थोड़ी विश्वास रखिए और अपना अध्ययन जारी रखें। दोस्तों भारत का जो प्राकृतिक प्रदेश है इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग है, 18% पहाड़ी है, 28% पठारी है, और 43% मैदानी भाग है। दोस्तों अब कहेंगे कि पर्वत पहाड़ पठार ये क्या है, दोस्तों जो ऊंची है काफ़ी ऊंची है चोटी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, K2 है भारत में, कंचनजंगा है, और भी पूर्वोत्तर में गारो खासी मिकीर और बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण भारत में सह्याद्रियाँ हैं, दुधावेट्टा अन्नामलई ये सब पहाड़ियाँ हैं। एक कहलाएगा पर्वती पहाड़ी। दोस्तों पहाड़ी वो भाग होते हैं जहाँ पर पर्वत स्थित होता है, एक चोटी स्थित है उसके आसपास जो भाग होता है पहाड़ी, एक लंबा रेंज होगा पर्वतमाला होगी, वो कहलाएगी आपकी पहाड़ी 18%। पठारी दोस्तों पठार वो भाग है जो बहुत ऊपर तो नहीं है, बहुत ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन मैदानी या समुद्र तल से ऊंचा है, और भूमि समतल भूमि नहीं है। अगर ये कहें कि कृषि भूमि नहीं है तो सही होगा, वहाँ कहलाती है पठारी। मैदानी भाग दोस्तों, मैदानी भाग वो होता है, अगर सबसे सटीक परिभाषा है ऐसा सटीक उत्तर होगा कि जो भूमि कृषि योग्य हो, जिसमें कृषि करना संभव हो, और ये मैदानी भाग अधिकतर
नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है। नदियों द्वारा लाए गए बालू, बजरी, कंकर, मिट्टी से निर्माण से बनता है मैदानी भाग, ये मैदानी भाग है। ये चीज दोस्तों अगर बात करें हम तो हम अगर हम जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो को देखा होगा उसे तो सरलता होगी, और इसे नहीं देखा होगा वो तो समझ ले दोस्तों। ये जो मानचित्र बना हुआ है इस पे एक पैमाना होता है, आपके भी मानचित्र में पैमाना होगा, उस पैमाना के आधार पर आप देखिएगा, ऊंचाई के आधार पर इसका कलर डिसाइड होता है, आपके मानचित्र में कोने दिया होगा पैमाना कलर होता है। इसमें नीचे दिया हुआ है, शायद वीडियो में कट रहा होगा क्योंकि कैमरा नीचे लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, फिर भी तो समझिएगा आपके चित्र में देखा या हमने विश्व के मानचित्र में देखिएगा या मिलेगा पैमाना। दूसरी बात बता दें कि अगर प्राकृतिक मानचित्र पर हरा ग्रीन दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से मैदानी भाग है, ये माना ही जाता है, इसका स्टैंडर्ड है। अगर इस कलर का ब्राउन दिखा रहा है तो पहाड़ी ऊंचाई वाला भाग है, पीछे दिखा रहा है तो और ऊंचा भाग है, नीला दिखा रहा है तो पानी है, ये पैरामीटर है। इस आधार पर इसके हम समझते हैं। अब दोस्तों ये डाटा लिखने के लिए जरूर लिखिएगा, एंट्री कीजिएगा। अब बात करते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश को या भू आकृति प्रदेश को प्रमुख चार भागों में हम बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला होता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नाम से भी पर्वत है और हमारे पैमाने के आधार पर भी दिख रहा है ये ऊपर वाला भाग है, ए वाला भाग कहलाता है दोस्तों, ए वाला भाग जहां जहां मेरा हाथ जा रहा है इस भाग को आप ध्यान देते रहिएगा, ए वाला भाग कहलाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें दोस्तों एक मुख्य भाग होता है हिमालय। हिमालय के कई भागों में बांटते हैं तो फिर थोड़ा सा हम छोटे स्तर में हिमालय समझते हैं। दोस्तों हिमालय जो पर्वतमाला है ये नवीन पर्वतमाला है, अगर परीक्षा में से पूछ ले कि निम्न में से नवीनतम पर्वतमाला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा होगा, तो इसमें अगर आपका हिमालय ऑप्शन है तो सबसे सही सटीक उत्तर होगा। हिमालय का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, हिमालय का इतिहास नवीनतम पर्वत है। दूसरी बात एक और शब्द आता है बलित पर्वत, हिमालय बलित पर्वत भी है। दोस्तों हम पिछले वीडियो में एक शब्द पढ़े थे पेंजिया, देखिएगा पिछले वीडियो में जाकर समझ आएगा। दोस्तों जब पेंजिया की बात करें तो पहले पूरा पृथ्वी सारे महाद्वीप एक भाग में सटे हुए थे, थोड़ा सा इसे समझने के लिए हिमालय समझने के लिए या हिमालय की उत्पत्ति समझने के लिए थोड़ा समय पीछे जाना पड़ रहा है दोस्तों, तो बोर मत होइएगा, जरूर समझिएगा मजा आएगा। सब सटा हुआ था, बीच में कुछ दिनों बाद एक भाग कटा और तेथिस सागर आया, ये समझ लें ऐसे ये वाला भाग यह तेथिस सागर, इधर है अंगारा लेन, इधर गोड़वाला लेन, दोस्तों इधर है अंगारा लेन, बीच में तेथिस सागर, नीचे गोड़वाला लेन, ये भी कठोर चट्टाने हैं और ये भी कठोर चट्टाने हैं, और ये दोस्तों मुलायम मिट्टी था, तेथिस सागर था, तो यहां पूरा मुलायम मिट्टी था, ए वाला भाग खिसकने लगा इधर, अरे वाला भाग खिसकने लगा इधर, और तेथिस सागर के नीचे कठोर चट्टाने थी। तो अब एग्जाम्पल समझते हैं हम इस घटना को समझने के लिए। दोस्तों आप थाली में आटा गूंथते होंगे, आटा गूंथिए
दो तरफ से बल लगाइए तो बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे तो जा पाएगा नहीं, नीचे तो अपनी थाली है और जहाँ थाली रखी हुई है वो कठोर स्थान है, ऊपर से बल लगा रहे हैं उसे रास्ता ऊपर उठने को मिलता है। सेम घटना यहाँ हुई, गोवाल में खसका इधर, अंगार में खसका इधर, तो ये मुलायम मिट्टी जो थी इधर खसकने लगा नीचे, तो ये ऊपर उठ गया और ये ऊपर उठना ही हिमालय की उत्पत्ति का वजह बना या हिमालय बना। दोस्तों इसलिए भारत का जो दक्षिणी भाग है वो कठोर चट्टानों से निर्मित है। कठोर चट्टान है और पुरानी मिट्टी है, पुराना चट्टान है, यही वजह है कि दक्षिणी भाग में खनिज संपदा की दृष्टि से धनी प्रदेश है भारत। उत्तरी भाग में दोस्तों आप कोई नहीं बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में या उत्तराखंड में इधर पंजाब हरियाणा तरफ कोई बड़ी खदान हो, कोयले की खदान हो, लोहे की खदान हो, हीरे की खदान हो, सोने की खदान हो, कुछ नहीं मिलेगा। जिप्सम हो, ऑक्साइड हो, नहीं मिलेगा। जो मिलेगा दक्षिणी भाग, ये कहता है कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच काट दिया जाए तो नीचे इसमें आपका झारखंड पूरा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दोस्तों जितने भी खनिज पदार्थ हैं सब के सब नीचे वाले भाग में हैं। क्यों? क्योंकि इधर से कठोर चट्टाने हैं। तो दोस्तों हम हिमालय समझ रहे हैं और दोस्तों हिमालय को भी कई भागों में बांटा जाता है, हिमालय एक भाग नहीं है। इसमें मुख्यतः आएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम हम जैसे क्रम से बोले क्रम से बोले हैं, काराकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ठीक, इधर आएगा कैलाश रेंज या कैलाश पर्वतमाला, ठीक ना, और जास्कर रेंज दोस्तों मिल जाएगा, पीर पंजाल होना चाहिए, ये देखिए लिखा शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला में लिखा हुआ है, और यहीं पे पीर पंजाल होना चाहिए, पीर पंजाल दोस्तों नहीं दिया लगता है इसमें, पीर पंजाल भी यहीं पास पास में ही है, ठीक, शिवालिक की जस्ट ऊपर मिलेगा पीर पंजाल, तो पीर पंजाल यहीं पर पास में, ठीक ना, शिवालिक दिखा है यहाँ से, शिवालिक पर्वत पीर पंजाल ही बीच में होगा, ठीक। ये हिमालय के कई भाग हैं। हिमालय में भी दो तीन हिमालय होता है, एक होता है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। दोस्तों बृहद हिमालय जो होगा एक ग्रेट, देखिए ग्रेट हिमालय लिखा है ना, ग्रेट हिमालय यही है, ग्रेट हिमालय बृहद हिमालय। इसी हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व के सभी महत्वपूर्ण चोटी या सर्वोत्तम पर्वत शिखर पाए जाते हैं, जिसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण होगा आप सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल दोस्तों मिलेगा, ठीक, नेपाल वाले भाग मिलेगा, जिसे नेपाल में सागर माथा भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंच चोटी है, माउंट एवरेस्ट मिलेगा दोस्तों। इधर मिलेगा केटू, यहीं पर गॉडविन आस्टिंग केटू यहीं पे, ठीक, यहीं मिले केटू मिलेगा गॉडविन आस्टिंग। इसके बाद मिलेगा कंचनजंगा जो सिक्किम मिलेगा। दोस्तों गॉडविन आस्टिंग केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु वर्तमान भारत में वह स्थित नहीं है, उस पर अवैध रूप से चीन ने कब्जा कर रखा है, जो भारत का ही भाग है वो अवैध कब्जा है। इधर दोस्तों सिक्किम मिलेगा, सिक्किम में कंचनजंगा, और दोस्तों बीच में ढेर सारे ऐसे चोटियां मिलेंगी जो कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग कहलाएगा।
इसमें मुख्य रूप से आप समझ लीजिएगा माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, भारत में नहीं है, लेकिन फिर साथ साथ पढ़े उसे हम, और गौड़वी आस्टिंग जिसे केटू कहते हैं, कंचनजंगा मिलेगा। इसके बाद इसमें अगर पर्वतमाला की बात करें तो जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, काराकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सारे चोटियाँ मिलेंगी आप, ठीक है ना, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, मार्ग रूप में रुक देगा सब हाईलाइट कीजिएगा, शिवालिक, पीर पंजाल, ठीक ना, ये सारे पर्वतमाला मिलेंगे। अब दोस्तों ये वाले भाग को मोटे तो समझे, ठीक ना, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें तो दक्षिण का विशाल मैदान, सॉरी दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार एक ही और दूसरा समझ लीजिएगा, इसी में उत्तरी वाले में हम ऐड कर सकते हैं, या कुछ कुछ विद्वानों ने इसके अलग करके पढ़ते हैं, ये पूर्वांचल के पहाड़ियां, इसमें पूर्वोत्तर भारत के हिल्स मिलते हैं, उसे पढ़ लेंगे अभी तो रोक करेंगे, ठीक ना। अब हम बात करते हैं क्या दक्षिण का पठार। दोस्तों दक्षिण का पठार ये पूरा पूरा दक्षिणी भाग कहलाता है, दक्षिण का पठार ये सेंटर भारत समझे, इसके नीचे मान के चलिए, ठीक। इसमें दोस्तों एक राजस्थान में रेंज आता है अरावली पर्वतमाला, अरावली रेंज ये राजस्थान भाग में है, इसे भी हम दक्षिण के पठार में ही काउंट कर लेते हैं। दोस्तों एक और पॉइंट महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बताया ना कि नवीनतम पर्वतमाला का उदाहरण हिमालय होगा, तो सेम इसके विपरीत प्राचीनतम पर्वतमाला का उदाहरण अरावली पर्वत होगा। विश्व के, भारत के ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम पर्वतमाला का प्रमुख उदाहरण अरावली पर्वत है, ये राजस्थान में है। अब एक महत्वपूर्ण विषय है कि अरावली पर्वतमाला विश्व का प्राचीनतम पर्वतमाला है, इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों अगर एक कारण हम समझ लेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा समझने पिछले वीडियो में जरूर समझाया है, फिर यहाँ प्रयास करते हैं समझिएगा। दोस्तों अरावली पर्वत का सबसे कम अपवर्धन हुआ है, निक्षेपण कम हुआ है, इसके पीछे कारण यह है भारत की मानसूनी पवनों की दिशा। दोस्तों जब बंगाल की खाड़ी से, बंगाल खाड़ी में सॉरी मिस हो गया, तो दोस्तों अरब सागर से उठने वाला मानसून जब ऐसे जाता है तो भारतीय उपमहाद्वीप को मुड़ता है, तो जिस दिशा में अरावली पर्वत का डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में भारतीय मानसूनी पवनों की दिशा होती है, तो इस वजह से इसे निक्षेपण या टकराती नहीं है, इसे चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। तो इसका दो परिणाम होता है, पहला परिणाम है कि राजस्थान वाले बेल्ट में सबसे कम वर्षा होती है, दूसरा परिणाम यह होता है कि अरावली पर्वत का सबसे कम निक्षेपण हो पाया है या उसका घर्षण या उसका वही अभी बचा हुआ पुराना पर्वत है उसका कटाव कम हो पाया है, यही कारण है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। अब दोस्तों बात करें इधर आए तो भारत के पश्चिम भाग में देखा जाए तो एक सह्याद्री मिलता है। सह्याद्री को दोस्तों हम दो भाग में बांटते हैं, जिसमें 16 डिग्री अक्षांश को हम विभाजक रेखा के रूप में मानते हैं, उसके उत्तर उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण में दक्षिण सह्याद्री बात करते हैं। उत्तरी सह्याद्री में बात करें तो महाबलेश्वर, कलसुबाई ये महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं,
जो कि उत्तरी सह्याद्री में है। दक्षिणी भाग बात कर दोस्तों तो अन्नामुलई, दोदाबेट्टा, ये महत्वपूर्ण चोटियां हैं। अगर पर्वतमाला की बात करें तो नीलगिरी जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। दोस्तों नीलगिरी पर्वतमाला एक गांठ के रूप में है जो इधर से पश्चिम भाग से पश्चिमी पर्वतमाला और उत्तरी भाग से पूर्वी भाग से पूर्वी पर्वतमाला आके मिलता है, एक गांठ का काम करता है। ठीक, यहां पर इस भाग में अगर दक्षिण भाग की चोटी की बात करें तो अन्नामुलई और दोदाबेट्टा। पर्वत की बात करें, महत्वपूर्ण पर्वत तो आएगा नीलगिरी पर्वतमाला। इधर महाराष्ट्र के भाला भाग में बात करें तो चोटियां मुक्त है कलसुबाई और महाबलेश्वर, जहां से एक जगह से गोदावरी और एक जगह से कृष्णा नदी निकलती है। और दोस्तों अगर उत्तरी भारत की बात पूर्वी भारत की बात करें तो इसमें दोस्तों मिलेगा विशाखापट्टनम, महत्वपूर्ण चोटी मिलेगा, एक महेंद्र पर्वतमाला ही मिलता है, महेंद्रगिरी पर्वतमाला मिलता है पूर्वी भारत में। ठीक, ये क्या कहते हैं कि पूर्वी रेंज में मिलेगा। और दोस्तों छोटे छोटे ढेर सारे पर्वतमाला ही मिले हैं, रेंज मिलेंगे, जिसे तेलंगाना का पठा मिलेगा और छोटा नागपुर पठा मिलेगा, झारखंड वाले बेट में, मध्य प्रदेश वाले बेट में ढेर सारे पठा मिलेंगे। दोस्तों इसे हम एक एक करके बाद में जब राज्य वैराज्य अध्ययन करेंगे तो अच्छे से और समझेंगे। ठीक, विधिवत रूप से इसमें इसे की बात करें बीच में मध्य प्रदेश वाले भाग में तो विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा रेंज, महादेव की पहाड़ियाँ, मालवा का पठार, इधर इधर बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र वाले भाग में, अजंता की रेंज। ठीक, इस तरह से बहुत सारे पर्वतमाला या पठार मिलेंगे। अब दोस्तों बात करें तीसरे पॉइंट पर, हम बात करें तो उपयुक्त दोनों के मध्य विशाल मैदान, नंबर तीन। नंबर दोस्तों अगर मैदानी भाग करें जो भी पर्यटन की 43% है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग ये होता है, इसका दोस्तों ए वाला भाग आएगा, ए वाला भाग उत्तराखंड से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग, ये सारे भाग आते हैं उपयुक्त दोनों। ये दोस्तों मुक्त मैदान नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, इसमें बांगर प्रदेश, भांगर प्रदेश, ये सब सारे प्रदेश आएंगे। ठीक, ये बीच वाला भाग, ये सब पे वीडियो स्पेशल अलग अलग पड़ेंगे। ठीक ना, देखेंगे ये वाला क्या कहते हैं कि दोनों के बीच का जो मैदान है ये वाला भाग कहलाएगा। कृषि हेतु उपयुक्त मैदान है, इसके पीछे वजह यह है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा इसी प्रदेश से बहती है और कृषि के लिए सबसे मुख्य रूप से पानी की ही आवश्यकता होती है। पानी गंगा यमुना इसी प्रदेश में बहेगी। और दोस्तों भारत का एक ऐसा ये नदी क्षेत्र बनता है जिसमें उत्तर भारत के लगभग सभी नदियां आगे से ज्वाइंट होती हैं, मिल जाती हैं, विलय होती हैं या मर्ज होती हैं। इसमें से बात करें तो मध्य प्रदेश की दो ही प्रमुख नदियां हैं जो नहीं जाती, नर्मदा और ताप्ती। चंबल इंदौर से उद्भव होती है, यमुना मिलेगी, यमुना जाके गंगा मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से उद्भव हो रही है और गंडक की पहाड़ी से जाके डायरेक्ट गंगा मिल रही है। उत्तर से मिलने वाली भारत की नदियां बात करें तो कोसी, गंडक, बूढ़ी गंगा, ढेर सारी नदियां मिलेंगी, सरयू, ये उत्तर प्रदेश वाले भाग में मिलेंगे। तो ये बेल्ट दोस्तों नदी की दृष्टि से काफी समृद्ध प्रदेश है।
और ये जो नदियां हैं, इन नदियों में पूरे वर्ष भर पानी रहता है। इसके पीछे वजह यह है कि इसे मुख्य रूप से गंगा और यमुना हिमालय से आ रही हैं, और हिमालय बर्फीला प्रदेश है। अगर तापमान बढ़ ही रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो पानी वहाँ की नदी में ही आ रहा है। दक्षिण भारत में नदियाँ ऐसी नहीं हैं, कृष्णा गोदावरी या कावेरी बोलें, दूर ये नदियाँ गर्मी प्रदेश में गर्म टाइम में सूख जाती हैं, इन्हें पानी का अभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो स्रोत है ग्लेशियर का स्रोत नहीं है, मुख्यतः वर्षा का पानी आता है। और उत्तर भारत की नदियाँ नहीं सूखती, क्यों? क्योंकि इनमें वो वर्षा का पानी के साथ साथ ग्लेशियर का पानी भी आता है। ठीक, इस प्रकार दोस्तों जो नदियां हैं, नदियों की वजह से एक कृषि हेतु अत्यधिक उपयुक्त प्रदेश है। चौथा आता है तटवर्ती एवं द्वीप समूह। तटवर्ती में दोस्तों यही तटवर्ती है जिसे हम अभी सह्याद्री में पढ़े और पूर्वती भारत पढ़े, और इसमें मुख्य रूप से हम ऐड कर सकते हैं द्वीप समूह में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारे प्रदेश आ जाएंगे। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो इसमें मुख्यतः जो पर्वतमाला आएंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, हम कुछ के नाम बोलते हैं, आप अपने मार्कर में अपने एटलस में उसे एंट्री कर दीजिएगा दोस्तों। मिलेगा गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, ठीक, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, इधर नागा हिल्स, ठीक, मिजो हिल्स, ये सारे पूर्वोत्तर सेवन सिस्टर राज्यों में स्थित हैं, ये पहाड़ियां हैं। और दोस्तों प्राकृतिक प्रदेश में ही थोड़ी सी भारत की और चर्चा हम हमें कर लेना उपयुक्त होगा, जिसमें हम बात करते हैं प्रायद्वीपी भारत में। दोस्तों भारत के उत्तरी भाग में तो पूरा पूरा हिमालय स्थित है, उत्तरी भाग में प्राकृतिक दृष्टि से ही भारत बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। उत्तर भारत में पूरा पूरा हिमालय पर्वत है जो मुकुट के समान भारत में विराजमान है। दक्षिण भाग में बात करें दोस्तों तो हिंद महासागर, इंडियन ओशन एक बड़े रूप से है। पश्चिम भाग में अरब सागर और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अरब सागर का मानसून उठता है जो भारत में वर्षा की वजह बनता है, और बंगाल खाड़ी का ही मानसून भारत में वर्षा की वजह बनता है। और उस भारत का एक बड़ा एरिया तटवर्ती प्रदेश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक शब्द है दोस्तों लैंडलॉक्ड, स्थल रुद्ध देश, जैसे कि यहाँ नेपाल है, भूटान है। दोस्तों स्थल रुद्ध देश वह होता है जिस देश की सीमा समुद्र संपर्क न करती हो, उसे स्थल रुद्ध देश या प्रदेश कहते हैं। ऐसे देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में या समुद्री व्यापार करने में, समुद्र के मार्ग से व्यापार करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समझ लिया जाए कि नेपाल को किसी अन्य देश से कोई सामान का इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, निर्यात या आयात करना है, तो उसे भारत या चीन से संधि करनी ही पड़ेगी, ऐसा समुद्री रास्ता मिलेगा ही नहीं, कहां से व्यापार कर पाएगा, उसे व्यापार कर पाना संभव ही नहीं होगा। इस दृष्टि से भारत का एक बड़ा सा दक्षिणी भाग समुद्र की सीमा बनाता है, और बड़े बड़े भारत के पास बंदरगाह स्थित हैं जिसके माध्यम से इस समुद्री व्यापार करने में पूर्ति सक्षम है। ये हमारे प्राकृतिक प्रदेश का सबसे बड़ा फायदा है।
दोस्तों भारत के दक्षिण में एक छोटा सा देश श्रीलंका, जो हमारी फ्रेंडली कंट्री है, बीच में कहीं कहीं विवाद होते रहता है, राजीवगांधी के टाइम पर चला था, उतना हम नहीं जानते, लेकिन थोड़ा सा एक श्रीलंका एक फ्रेंडली कंट्री है। श्रीलंका और भारत के मध्य एक पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट है, जो दोनों को अलग करती है। अब बोल दे कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो आप पाक से पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य से थे। दोस्तों यहां पर आज ढेर सारे झील टाइप के बने हुए हैं, जिनमें मोतियों का भी व्यापार होता है, मोती भी निकाला जाता है। हम भारत श्रीलंका का संबंध प्राकृतिक दृष्टि से है भी और धार्मिक दृष्टि से भी है, जिसमें भारत और श्रीलंका, यहाँ माना जाता है रामर था, भारत राम थे, श्रीलंका प्रदेश यही था, तो राम सेतु पुलिया भी यहीं पर है। यही पास में दोस्तों रामेश्वरम भी है। ठीक दोस्तों, प्राकृतिक दृष्टि से अगर भारत का हम इतना मानचित्र समझ लिए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जब हम पढ़ेंगे, तो जब पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, तो आपको समझने में बड़ा आसानी होगी। इतना ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत के मैदान में खनिज की दृष्टि से गरीब है, दक्षिण भारतीय दक्षिण का पठार खनिज दृष्टि से काफ़ी अमीर है। कृषि गैस पर उत्तर भारत समृद्ध है, दक्षिण भारत समृद्ध नहीं है। इसके पीछे वजह यही है, उत्तर भारत का जो मिट्टी है नवीन मिट्टी है, और दक्षिण भारत की जो चट्टाने हैं प्राचीन चट्टाने हैं। और आगे दोस्तों हम समझेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी जरूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।